मुरादाबाद महानगर जहां अपनी पीतल कारीगरी के लिए दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है, तो वहीं खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए एक से एक अच्छे संस्थान मुरादाबाद की शान में चार चांद लगा रहे हैं। मुरादाबाद महानगर में सर्दी के इस मौसम में मछली कारोबारियों की खुशी देखते ही बन रही है और मछली कारोबारी इन दोनों बाजार में एक से एक अच्छी मछली को लेकर पहुंच रहे हैं। इन दिनों मुरादाबाद में फिश मंडी अपने पूरे सबाब पर दिखाई दे रही है। मुरादाबाद के रामपुर रोड पर बनी फिश मंडी सर्दी के मौसम में महानगर की आवाम को ऐसी मछलियाँ उपलब्ध करा रही है जो आपको उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर नहीं देखने को मिलेगी। रामपुर रोड पर बनी फिश मंडी में यूं तो हजारों की संख्या में व्यापारी आते हैं और यहां पर तरह तरह के फिश देखने को मिलती हैं और मछली के खाने के शौकीन इस फिश मंडी की शोभा बढ़ाते हैं। सिटी चैनल की टीम द्वारा रविवार को जब इस फिश मंडी का नजारा अपने कैमरे में कैद किया गया तो यह नजारा कुछ अलग ही दिखाई दिया। रामपुर रोड पर स्थापित की गई इस फिश मंडी में रोहू, गोल्डन, करई, गोच, लोहान, लाची, गैंड, पत्थर, चट्टा सहित तरह तरह की मछलियां दिखाई दी। व्यापारियों का कहना था कि सर्दी का मौसम मछली खाने वालों के लिए ऑक्सीजन का मौसम होता है और इस सीजन में लोग मछली को पसंद करते हैं। यहां पर पूर्वी जिलों से मछलियां आती हैं। मछलियां आने से पहले व्यापारी यहां पर उनका इंतजार करते हैं और जैसे ही मछलियों से भारी सवारियां आती हैं वैसे ही व्यापारी इन मछलियों को लेकर बाजार की तरफ दौड़ने लगते हैं। रामपुर रोड की यह फिश मंडी मुरादाबाद ही नहीं बल्कि मंडल के सभी जिलों की मशहूर फिश मंडी है, क्योंकि इस फिश मंडी में दूर दूर के व्यापारी मछलियां खरीद रहे हैं और सर्दी के मौसम में मछली के शौकीनों के लिए एक से एक ब्रांड मछलियां उपलब्ध करा रहे हैं। फिश मंडी में मौजूद रहे एक व्यापारी से बात की गई, तब उनके द्वारा बताया गया कि सर्दी का मौसम है और इस मौसम में मछलियों का बाजार मुरादाबाद के बाजारों की शोभा बढ़ा रहा है। हर तरह की आती है, पंगास आती है, करई आती है, चिल्कार आती है। कैसा बाजार कैसा रहता है, किस तरह का बाजार रहता है? यार सही रहता है, सही रेट मिलता है। कहाँ के ग्राहक आते हैं यहाँ पे? ग्राहक तो इधर आते हैं, रामपुर, मिलन, बरेली, किछा, बाजपुर, काशीपुर, अमरोहा, बिलारी, संभल, सभी जगह जाते हैं। सबसे अच्छी मछली कौन सी है और बाजार किस मछली का सबसे अच्छा बिकती है? सबसे अच्छी मछली में जैसा पसंद अपनी अपनी, कोई करी पसंद करता है, कोई चिल्कार पसंद करता है, कोई चावल पसंद करता है, ये अपनी अपनी पसंद। कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं सबसे ज़्यादा यहाँ कौन सी वेराइटी? चाल है, चिल्कार है, करई है, मंगोड़ा तो खैर नहीं आता है, और मछली सभी आती है। जैसे सर्दी का मौसम है तो इस मौसम में मछली अच्छी बिकती है, गर्मी के मौसम में? यही सीजन है, ठंड के मौसम में मछली बिकती है, गर्मी में नहीं बिकती, गर्मी में आधी सेल भी नहीं हो पाती। अच्छा, सुना है यहाँ से मछली का बाजार हटने जा रहा है, तो क्या क्या लगता है आपको, यहाँ रहना चाहिए बाजार या हटना चाहिए इसे? देखिए अब तो यहाँ तो खैर तो हम लोग कर ही रहे हैं बाजार, लेकिन जब गवर्नमेंट चाह रही है तो भाई मजबूरी होगा, लेकिन जो सेल यहाँ हो रही है वो मुश्किल होगी। क्या होना चाहिए, सरकार क्या करे आप लोगों के लिए जो और अच्छा आपका काम हो जाए? सरकार हम कह रहे हैं कि नज़दीक में मंडी बाजार हर तरह की सुविधा दे, हम लोग जैसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा कर सकें। किस तरह की सुविधा चाहते हैं आप? सुविधा ये है कि जो हमारे यहाँ पर आसपास में मंडी बन जाए और वाहन खड़े करने के लिए हर आदमी को सुविधा हो, और जो भी सुविधा घर में मंडी से बहुत सुविधा होती है, जो देना चाहे बहुत कुछ बांटते हैं लोग। सरकार से कुछ मदद मिलती है आप लोगों को? नहीं, उस समय कोई मदद नहीं मिलती। चाहते मदद हो सरकार? हाँ मदद चाहते, कौन नहीं चाहता मदद, अरे हम लोग तो हमारा कारोबार बढ़ेगा और तरक्की होगी। अभी किस तरह कोई मदद? टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा जमा करेंगे।